अब गुड्डा आगे चलेगा ना? ठीक है। बिल्लू, अरे सार्थक, भूल ही गए हम, मोक्ष का बूमरैंग लेना था। फटाफट गाड़ी टर्न कीजिए ना, ले आते हैं। अनुप्रिया भी रहने देते हैं। देखो ना, गुनगुन घर पे अकेली है, घर चलते हैं। अकेली कहाँ है, कल्याणी है ना उसके साथ। ये सब है तुझे, मेरी गुड़िया मुझे वापस दे। नहीं दूंगा। पल्लू क्या कर रहा है ये, दे दे वापस। नहीं दूंगा और आपकी भी बात नहीं मानूंगा। जब से गुनगुन यहाँ पे आई है, आप सिर्फ इसकी साइड ले रही हो। इसके लिए पोहा बनाती हो पर मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाती हो। मैंने आपके साथ थोड़ी देर खेलने के लिए बोला तो आपने मुझे डांट के पढ़ने बैठा दिया और यहाँ इसके साथ खेल रही हो। तुम क्या बोल रहे हो, तो कुछ भी नहीं है बेटा। आल्फा ऐसा ही है, आप सिर्फ गुनगुन से प्यार करते हो, मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मैं गुनगुन की ये गुड़िया नहीं दूंगा। गुनगुन को कल्याणी नहीं संभाल पाती, मुझे ऐसा लगता है। तुम भी जानती हो, जब भी गुनगुन और मोक्ष साथ में होते हैं तो कल्याणी किस पर ज्यादा ध्यान देती है। प्लीज घर चलते हैं। गुनगुन रुक जा, मैं आ रही हूँ। गुनगुन बेटा बेटा डरो मत, रुको मैं आ रही हूँ। नहीं आई, आप गुनगुन के पास नहीं जाओगी। अगर आप गुनगुन के पास गई तो मैं समझ लूंगा कि आपके लिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। गुनगुन, 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 बेटा आंखें खोलो। मैं बला से गुनगुन से भागे। गुनगुन, गुनगुन, बेटा आंखें खोलो। कुछ मिला वहाँ? तो कुछ भी नहीं है। नहीं आई, कुछ भी नहीं मिला। मल्हार को कुछ पता चला? बस इतना ही पता चला है कि जिस नंबर से पिल्लू का वीडियो आया था ना, वो किसी मरी हुई औरत का नंबर था। देवा, ये
ड्रम यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वहाँ पीछे होता है। एक्चुअली मैं भी सोच रही थी लेकिन फिर इतना ध्यान नहीं दिया। देखो क्या? हाँ गुनगुन, सॉरी दीदी, दीदी तुम्हारे लिए मल्हार बाबूजी का कॉल है। मल्हार जी का फोन? मैं आती हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। बार बार भजवे, अभी तो अंदर ही रहना। गुनगुन अब क्या है? प्लीज मुझे बाहर आना है। नहीं तू बाहर आएगा तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। और डांट पड़ेगी अलग, मुझे तो आश्रम भेज देंगे। तू अंदर ही रह। अरे कुछ नहीं होगा, आई पापा बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। पर प्लीज आने देना। बोला ना, गुनगुन की गोली मंजे बंदूक की गोली, जो बोल दिया तो बोल दिया। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगा बाहर, पर कुछ खाने को तो ले, बहुत भूख लगी है। प्लीज ठीक है, पर तू प्रॉमिस कर तू बाहर नहीं निकलेगा। पक्का प्रॉमिस। हाँ मल्हार जी जल्दी बताइए, कुछ पता चला? हाँ कल्याणी, जो सिम कार्ड से वो वीडियो आया था उस सिम कार्ड की इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या? वो सिम कार्ड किसी औरत का था और वो औरत कई साल नागपुर जेल में थी और उसकी मौत भी वहीं हुई है। मल्हार जी आप जल्दी घर आइए, जल्दी घर आ जाइए आप। क्या हुआ कल्याणी? आई मुझे पता चल गया पिल्लू की किडनैपिंग किसने की है। पता चल गया है मुझे। कल्याणी ऐसे छुप कर कहाँ जा रही हो तुम? तो मुझे किचन में जा रही हूँ, भूख लगी है। ओ मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? कल्याणी क्या कर रही हो ये? मेरे बच्चे के किडनैपर से पूछ रही हूँ, उसने मेरे बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है? बताओ कहाँ है मेरा बच्चा? क्या बकवास है ये? ऐसे कैसे मत... यही सच है। तुम्हें क्या लग रहा है? बहुत स्मार्ट है ये कि ये एक मरे हुए इंसान के सेलफोन से वीडियो भेजेंगी और मुझे पता नहीं चलेगा। पिल्लू का वीडियो जिस नंबर से आया था ना, वो फोन इनके पास है। वो फोन प्रूव करूं मैं? अब सारा सच बाहर आएगा। जल्दी बताइए मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए! आप के कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ ऐसे भागने नहीं दूंगी मैं आपको। बताइए मेरा बच्चा कहाँ है? तुम्हारा मोक्ष कहाँ है? वो तुम्हें एक ही इंसान बता सकता है। कौन? क्या बकवास है ये? ये आपका नाटक बंद कीजिए। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ और मैं भाग नहीं रही थी, अपना दूसरा फोन ले रही थी। अब इसी फोन से सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। आई को कुछ नहीं, आई को कुछ नहीं होगा। कल्याणी आई को कुछ नहीं होगा। कल्याणी ये मल्हार जी आई आई प्रिया आई कल्याणी कल्याणी
माई को कुछ नहीं होगा। हाँ कल्याणी, माई को कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को। कल्याणी कल्याणी कल्याणी, काका कल्याणी उठो। डॉक्टर कोई है? मोक्ष, गुनगुन, याना, क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? ओ, तुम लोगों का प्लान मैंने फेल कर दिया, इसलिए तुम लोगों का मूड खराब है ना? आई बड़ी मुझे घर से बाहर निकलवाने वाली, अब तेरी आई घर से बाहर निकल गई है, वहां से जाएगी सीधा शमशान। चुप, बिल्कुल चुप। मेरी आई को कुछ नहीं होगा। बदतमीज, रुको। ऑपरेशन थिएटर में, उनका ऑपरेशन चल रहा है, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए तुम्हें यहाँ ड्रिप चलाने के लिए लिटा दिया है। कल्याणी क्या करोगी जाके? वहाँ जाके भी इंतजार ही करोगी ना, उनका ऑपरेशन चल रहा है अभी, इससे अच्छा तुम यहाँ आराम कर लो, इस बहाने तुम्हें थोड़ा रेस्ट मिलेगा। कल्याणी कल्याणी देखो, समझने की कोशिश करो, अगर खुद को आराम नहीं दोगी तो माई का ध्यान कैसे रखोगी? मैं काम करता हूँ, मैं जाके पता करता हूँ कि कितनी और देर लगेगी ऑपरेशन में, ठीक है? तुम इतने रिलैक्स करो यार। हाँ कल्याणी, लेट लेट जाओ, मैं बस चेक करके अभी आया, ठीक है? तुम आराम करो। हेलो, भागोगे? एक बार मेरे हाथ तो आओ, छोड़ूंगे नहीं तुम लोगों को। रुको देवा, तुम दोनों शैतानों को छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे सफेद चूजे, जल्दी करना, वो खड़ूस बुढ़िया आ गई। दे जल्दी। आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बदमाशी हद पार कर गई है, अगर तुम लोगों को सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम आसावरी नहीं, दो डंडे पड़ेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। सोचना भी मत। आप इन्हें मार नहीं सकती, ये क्या कर रही थी आप? हा? अरे मुझसे क्या कह रही हो, तुम्हारे इन दोनों लाडलों से पूछो क्या किया है इन्होंने। इन्होंने जो भी किया, अरे बच्चे हैं, थोड़ी बहुत शैतानी करना इनका हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पे हाथ उठाएं। शैतानी नहीं, बदतमीजी की इन लोगों ने, और इनकी बदतमीजी ठीक करने का यही एक तरीका है। हम बदतमीज नहीं है, जब तुम काम ही ऐसा करते हो तो हमें ये सब करना पड़ता है। और नहीं तो क्या, हम लोग तुम पर ब्लेम नहीं कर सकते, तुम किसी के लायक हो। हेलो गुनगुन, ये सिखाया है मैंने तुम्हें,
बड़ों के साथ बदतमीजी करना वो बड़ी है ना आपसे, आप उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। चलिए सॉरी बोलो उन्हें, सॉरी बोलो दोनों उन्हें। हेलो गुन, सॉरी बोलो। सॉरी। अभी आई आएगी और हमें घर लेकर जाएगी, हमारे घर जाएंगे हम। नो, कल्याणी कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ आई से मिलने। अब आई तो यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो उनके पास जा सकती हूँ। कल्याणी मैं किसी की नहीं सुनने वाली, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, मैं जाऊंगी। कल्याणी तुम्हें आई के पास जाना है? हाँ आई के पास जाना है। हाँ मैं तुम्हें लेके चलूंगा तुम्हारी आई के पास। अच्छा चलोगी? हाँ चलेंगे ना, आई के पास चलेंगे। चले चल। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने इसे पेशेंट के साथ देखा है अपनी आंखों से, इसी ने अपनी माँ को भगाया है। अच्छा तो ये बात है ना, मैं ना अभी मेरे पति को बुलाती हूँ, वो कमिश्नर है, उनके आने के बाद देखते हो कैसे ये सच नहीं बताता है, अभी उन्हें बुलाती हूँ मैं। मल्हा जी आ। क्या हो रहा है? मल्हा जी देखिए ना, आई हॉस्पिटल से भाग चुकी है, आई हॉस्पिटल से गायब है और इन लोगों को पता ही नहीं है। वैसे आप यहाँ कैसे, आपको किसने बुलाया? पुलिस स्टेशन जा ही रहा था और रास्ते में वायरलेस पे मिसिंग पेशेंट की कंप्लेंट आई तो मुझे आना पड़ा है। अनुप्रिया जी मिसिंग है। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने उनका ध्यान अच्छे से नहीं रखा। मैं बात कर रहा हूँ ना कल्याणी जी, वार्ड बॉय ने इन्हें अनुप्रिया जी के साथ कमरे में देखा था, उसका कहना है कि शायद इन्होंने ही अनुप्रिया जी को भागने में मदद की है। झूठ मल्हा जी, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अरे जब मैं आई के कमरे में फ्रूट लेके गए तो आई वहाँ कमरे में थी ही नहीं, मैंने सब कुछ भी नहीं किया है, झूठ है ये सब। मल्हार सर, वार्ड बॉय के स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कल्याणी जी को अपने साथ ले जाना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल इनके ऊपर ऑफिशियल FIR फाइल कर रहा है। हाँ ठीक है, वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले मुझे मेरी आई को ढूंढना है। कल्याणी वो काम मेरी टीम कर लेगी, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी आई को ढूंढना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कल्याणी कल्याणी मैं कल्याणी क्या बदतमीजी है, ये गन दो। सॉरी मल्हार जी, पर मैं जब मेरी आई को ढूंढ लूंगी ना, जो कहेंगे मैं वही करूंगी। कल्याणी क्या बात है, मुझे गन दो मुझे। कल्याणी 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 रुको, क्या बात है मुझे? मैं किसी पे गोली चला दूं। पीछे पीछे पीछे। मल्हा जी आई एम सॉरी, पर मुझे मेरी आई को ढूंढना है। पीछे मेरी आई को ढूंढना है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए। कल्याणी मेरी बात सुनो। मेरे पास नहीं आना। कल्याणी गन दो। कल्याणी कल्याणी रुको, कल्याणी आई आई कहाँ हो तुम? आई
झूले पे बैठ के आई का इंतजार करेंगे। हाँ झूला में ऐसे नहीं रोते। हाँ नहीं रोते ऐसे, रोने की कौन सी बात है इसमें। देखना बहुत जल्द ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आई मीना कुमारी आई, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मीना कुमारी आई बिल्कुल ठीक है। आई ना सिर्फ खेल रही है, जैसे तुम लोग इतना खेलते हो तो बदमाशी भी तो करते हो ना। खेलकूद में तो बदमाशी होती ही है, तब थोड़ी ना आई तुम दोनों से डरने लग जाती है या फिर तुम दोनों से दूर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही अब आई का खेलने का मूड है, तो तुम दोनों को ना उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना तो उनसे दूर जाने की जरूरत है। हुँ? बल्कि उनके साथ खेलो और खूब मजे करो। हुँ? आई ऐसे क्यों बोल रही थी कि आई ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मल्हार जी ये एम्बुलेंस। I'm sorry कल्याणी। मल्हार जी मैं बताइए तो सही एम्बुलेंस क्यों आई है। कल्याणी मुझे लगता है कि तुम्हारे और माइक के लिए यही सही है। क्या मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप। मल्हार जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, बंद करिए ऐसा। मल्हार जी प्लीज मुझे और आई को एक दूसरे से दूर मत करिए। I'm sorry कल्याणी, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कल्याणी। मुझे नहीं जाना आई, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना आई को छोड़ के, नहीं जाना आई, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, नहीं जाना। रुक जाओ, हाथ नहीं लगाएगा और इन्हें कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। इनकी आई आ गई, छोड़ो। क्या है सब कल्याणी? आई 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 मुझे नहीं जाना। रोते नहीं है ना, देखो तुम्हारी आई आ गई है ना अब तुम्हारे पास, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। आजा मेरे साथ, आजा। मेरी डॉली भी मैं। हाँ हम उसको भी लेकर जाएंगे। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? आई कहाँ है? वो नहीं आएंगे हमारे साथ? नहीं बेटा, आई हमारे साथ नहीं आ रही है, वो बिजी हो गई ना, उनको नया बच्चा मिल गया है, हमें भूल गई है वो। चलो मेरे साथ चलो। एकदम इसके जैसे बनाना। हाँ देखो एकदम इसके जैसे, दो दो बने हैं ना। हाँ मैं आती हूँ। नहीं आई मत जा। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं इधर ही हूँ तुम्हारे पास। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तो बताओ मेरी बात मानोगी या फिर मैं जाऊँ? नहीं 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 मत जाओ, मानूंगी। पक्का? गुड गुड, तो फिर मुझसे वादा करो आज के बाद कभी भी गुस्सा नहीं करोगी,
बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, सबसे अच्छे से बात करना और मुझसे बिना कुछ पूछे कुछ भी काम नहीं करना। वादा करोगी या फिर मैं जाऊं? वादा। पक्का वाला? गुड गुड। अरे उधर क्यों, इधर आओ। तू क्यों आई है यहाँ? मुझे तो अच्छी नहीं लगती, ये मेरे लिए आई है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा था ना अभी, वादा तोड़ोगी ना तो फिर मैं छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं। जाओ रखो उसे। रखो। बैड मैनर्स। ये भी तो तुम्हारी तरह है ना। देखो गुनगुन तो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। चलो अभी दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करो और आज के बाद कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना। सॉरी कल्याणी, मुझे माई के बारे में वो सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या करता कल्याणी, तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही थी कि चाहकर भी ना खुद को रोक नहीं पाया। I'm sorry। और मेरा यकीन मानो कल्याणी, मैंने माई से कुछ नहीं कहा, तुम्हारी कसम। मल्हार जी, आपको कसम वसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद से ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं आप पर। मैं जानती हूँ कि आपने आई को कुछ भी नहीं कहा, इनफैक्ट मुझे सॉरी बोलना चाहिए आपसे, न जाने गुस्से में मैंने आपको क्या क्या कह दिया, होश ही नहीं था कि मैं किस पे इल्जाम लगा रही हूँ। I'm really sorry मल्हार जी। कल्याणी मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ, तुम मुझे सॉरी बोल रही हो, क्या चल रहा है ये? तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है कल्याणी, खुद से ज्यादा जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी बातों के पीछे जो इमोशन होता है ना वो समझता हूँ मैं। लेकिन मल्हार जी मीना समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो वर्ड आई को सिखाया किसने, और आई ने आपकी तरफ उंगली क्यों उठाई फिर? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कल्याणी। मल्हार जी कोई तो है जो आई की इस बीमारी का गलत फायदा उठा रहा है। और कौन हो सकता है कल्याणी, सोचो कौन। हमारे घर में कौन ऐसा इंसान है जो हमारे यहां रहकर भी हमारा नहीं है? एसबी, अरे ये सब क्या है? हा? अभी आप लोग अंदर नहीं आ सकते, आप लोग बाहर जाओ। अरे लेकिन ये सब तुम लोग कर क्या रहे हो, बताओगे? ये एक सरप्राइज है, 5 मिनट में पता चल जाएगा। अब जाओ हमारे कल्लू मल्लू। कल्लू मल्लू? अरे पर प्लीज साईं बाबा, आप हमारा सरप्राइज खराब मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, बाहर जाते हैं, लेकिन बस इतना बता दो कि किसने कहा तुमसे ये सब करने के लिए? शवरिया जी ने बोला। अब आप बाहर जाओ। जाओ 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 बाहर जाओ। हाँ जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ। मल्हार जी, बच्चों को ये सब करने के लिए एसबी ने बोला है, वो हमें मिलाने की कोशिश कर रही हैं। आखिर वो कब से इतना बदल गई? क्या नहीं कल्याणी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। सर जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, इस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कोई अच्छा काम भी करेगी ना तो इसे गलत मकसद से ही करेगी, लेकिन वो मकसद क्या हो सकता है? कल्याणी और बच्चों को मेरा सच बताने वाली थी। हाँ तो तुमने दिया था ना मुझे वो गंदा बोल, और तुम्हारी वजह से मोक्ष को भी सजा मिली, तो मैं नहीं बताऊंगी सबको कि तुम गंदी हो। ए, ज़्यादा ज़बान चल रही है। अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया ना, तो सीधे हॉस्पिटल भेज दूंगी वापस।
आए थे ना तुम्हें लेने हॉस्पिटल, पता है किसने भेजा था? मैंने। इसलिए अब अगर किसी को मेरे बारे में कुछ भी बताया ना तो सीधे हॉस्पिटल। इसलिए अब मैं जैसा कहूंगी तुम बिल्कुल वैसा करोगी, किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? और अगर तुमने ऐसा किया तो पता है ना क्या होगा? सीधी हॉस्पिटल। तो हम अंदर आ सकते हैं ना? नहीं, अभी आप अंदर नहीं आ सकते, अब सिर्फ आई आएंगी। अरे पर ये क्या बात है? अरे बाबा आई, आप हमारे साथ आओ। अरे लेकिन मैं नहीं, बोला ना आप नहीं आ सकते। हाँ अभी आपकी एंट्री नहीं है, आप बाहर जाके वेट करो, बाय। अच्छा भाई ठीक है, मैं जाओ बाहर जाओ। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कमरा तो पूरा रेडी है, तो फिर मल्हार जी को अंदर क्यों नहीं आने दिया तुम दोनों ने? सिर्फ कमरा रेडी है, तुम नहीं। मतलब? आई, हम ना बाहर जा रहे हैं, आप ना अच्छे से रेडी हो ना। ठीक है। बाय बाय। ये बच्चे भी ना। अरे बाबा, अब क्या हुआ? एक बार तो बोलना ही भूल गई। क्या? अरे वो पीच वाली साड़ी पहनो ना, उसमें एकदम सिंड्रेला लगोगी। सिंड्रेला नहीं, सिमरेला। पिल्लू, सिंड्रेला होता है? तेरा बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं है ना, पता चल रहा है मुझे आजकल तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। सिंड्रेला। अच्छा चलो दोनों बात। बाय बाय। ठीक है बाबा, जाओ जाओ जाओ। बाय बाय बाय।